Hey guys, assalamu alaikum. I'm back with, yes, after a long, long time, episode 19 of Mala ka review. Okay, so पहले मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैंने अगेन अपॉलोजीज के मैंने एपिसोड 19 का रिव्यू मिस कर दिया जो मुझे कर लेना चाहिए था. बस आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन, आई एम जस्ट गोना अपॉलोजाइज अगेन. सो मैंने सोचा मैं उसे स्किप कर देती हूँ और 20th का डायरेक्टली रिव्यू करती हूँ. बट देन देर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड इन एपिसोड 19. ज़ारा की सच्चाई पता चली, ज़ारा और माही की मंगनी टूटी, माला ने मालिक को बताया, मालिक का रिएक्शन, यू नो, बीरबल की शादी, सूजी का सच, लाइक सो मेनी थिंग्स हैपेंड. आलियान मिलता है माला से, सो आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट मिस इट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंड आई विल अपलोड टू वीडियोज़ टुडे. आपका दिल चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं एंड देन यू कैन वॉच द एपिसोड 20 का रिव्यू और यू कैन गो डायरेक्टली देयर एंड वॉच दैट. इट्स टोटली अप टू यू गाइस. बट येस, आज दोनों वीडियोस अपलोड होंगी. यस, आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ. अगेन एपिसोड 19 पढ़ के यार क्या मतलब, देयर वाज जस्ट सो मेनी इमोशंस दैट आई वेंट थ्रू. आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है डॉक्टर राइत की और जो माही की बात होती है. अगेन हमेशा मैंने कहा है कि माला पढ़ के और निमरा अहमद के नॉवल्स पढ़ के मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके उठती हूँ और एक अपलिफ्टेड फीलिंग होती है. जब मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ी जो माही और डॉक्टर राइत के दरमियान होती है, जब उनसे कहती है कि मुझे असकार बता दें, मुझे डर लग रहा है मेरे ऊपर फिर जादू हो गए, एंड देन यू नो शी टॉक्स अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट एंड ऑफ कोर्स ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बट येस ज़िंदगी इज़ ओके, उसके अपने चैलेंजेस हैं, वो शुरू वाली मोहब्बत नहीं है, एंड यू नो लाइक सच अ ग्रेट रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट रियली हैपन्स इन लाइफ. बट उसके बाद दो चीज़ हुई. एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो डॉक्टर राइत ने उसको बोला, विच इज़ कि हमें जादू से डर नहीं लगता, हमें इस बात से डर लगता है कि जादू या जिन जो है वो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं वो हमसे छीन लेंगे. एंड आई थिंक जो हमारा बिलीफ है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के हुक्म से होता है, वो रीअफर्म कराया निमर अहमद ने हमारे मेरे अंदर एटलीस्ट. वो लाइक दैट कॉन्वर्सेशन वॉज सच एन आई ओपनर फॉर मी एंड सच अ, मेरा यकीन वापस आया. मैं अब जब भी नेगेटिव फील करती हूँ, मैं मजाक के अलावा मैं यही बात याद करती हूँ कि कोई दुख, कोई चैलेंज, कोई खुशी, कोई कामयाबी मुझे नहीं छू सकती, मेरे करीब नहीं आ सकती जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं हो. सो दैट्स व्हाट ही सेज कि तुम अपने असकार पढ़ो, लेकिन अगर तुम पे फिर भी जादू होता है, अगर तुम्हें फिर भी कोई नुकसान पहुँचता है, तो वो तुम्हारी किताब, ज़िंदगी की किताब में अल्लाह ने लिखा हुआ है. और इस बात को समझो कि अल्लाह ने वो मुश्किल दी है, तो इस बात पे यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें उस मुश्किल से निकालेगा. ट्रेजेडी और खुशी दोनों अल्लाह की तरफ से दिए गए तोहफे हैं. इस पर इल्ज़ाम नहीं दो किसी इंसान को, इस पर अल्लाह से शिकवा नहीं करो. दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज दैट आई थिंक निमर अहमद गेव इन दिस एपिसोड एंड आई जस्ट लव्ड इट. मुझे बहुत रीअफर्म हुआ मेरा यकीन और मुझे इस बात पर आया कि हाँ, आप अपनी दुआएँ पढ़ें, आप वो करें, बट कभी कभी फिर भी चीज़ें होती हैं. दैट मीन्स के वो चैलेंज या वो चीज़ आपकी ज़िंदगी की लिखी है. वो एक लफ्ज़ बोलते हैं डॉक्टर राइत, मकतूब तोहफे, कि ये तोहफे अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी की किताब में ऑलरेडी लिखे हुए. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मुझे ये लगी जो लेसन उन्होंने माही को दिया, जो हम सबको था, और कितने खूबसूरत तरीके से दिया. मेरी सोच तो उन्होंने चेंज कर दी निमर अहमद ने. एंड अगेन आई थिंक मैं हर रिव्यू में बोलती हूँ, आई फील सो जेलस ऑफ हर टू बी सो खुशकिस्मत कि आप किसी की सोच बदल सकें, आप लोगों को अल्लाह पे यकीन वापस ला सकें, कितनी बड़ी बात है. देन अनदर थिंग दैट हैपन्स, आलियान को कबीरा ताई जो हैं वो कॉन्टैक्ट करती हैं और वो उनसे बोलती हैं कि मुझे इस दुश्मन को तबाह बर्बाद करना है. एंड ही सेज वाई, सो शी सेज कि वो इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट अपलोड करती है और मुझे मैं जलती हूँ, मुझे जेलस होता है कि वो इतनी खुश क्यों है. फिर आलियान उनसे कहता है कि कोई भी खुश नहीं होता. एंड अगेन वो चीज़ भी मुझे जाके इतनी स्ट्रांगली लगी. एंड आई थिंक मे बी आई एम द ओनली वन, मे बी आप लोग इस बात से करेंगे, दूसरों की तस्वीरें और दूसरों की चीज़ें देख के सोशल मीडिया मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट होता है. हमें लगता है हर चीज़ परफेक्ट है और कहीं अनकॉन्शियसली हम भी उस तरह के या उस तरह की परफेक्ट ज़िंदगी गुजारने के लिए स्ट्राइव करते हैं. सो जो हम यहाँ तक कुछ कर सकते हैं ना, हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड इन अ वे ऑल्सो, बट उसके लिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ, अपने बिलीव्स, अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लेने चाहिए. उसके लिए हमें एक मटेरियलिज्म नहीं आ जाना चाहिए. सो अगेन यही बात थी कि जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं, आप ज़िंदगी की क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो किसी को आपके बारे में क्या सोचने पे मजबूर कर दे और उससे आपकी ज़िंदगी पे क्या अफेक्ट होता है, ये रियलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई बिलीव स्ट्रांगली इन नज़र एंड सो इट कनेक्ट्स विद दैट. तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी. आलियान,
such an interesting, such a different kind of villain that he is. Not interesting, थोड़ा बहुत बोलूंगी. सो आलिया ने एक वो विलन है जिसके लिए मुझे, जो मुझे इंटरेस्ट इंटरेस्ट करता है. आई एम क्यूरियस आर्यन का मकसद क्या है, व्हाई इज ही डूइंग ऑल ऑफ दिस. क्योंकि उसने अभी तक ज्याद, क्या वो ज्याद से बदला ले रहा है क्योंकि, और या वो क्या करना चाहता है, वो हिलाल को भी अपनी तरफ लेकर आना चाहता है, उसे कहता है हम दोनों मिलके काम करें, और वो माला से क्या चाहता है, वो जारा और माहिर की ज़िंदगी को क्यों तबाह करना चाहता था, क्या वो सिर्फ शर फैलाना चाहता है. सो मुझे ना आलियान का मोटिव क्लियर नहीं है. बट एट द सेम टाइम आलियान जितना रूथलेस पहली दो एपिसोड्स में, पिछली दो एपिसोड्स या तीन एपिसोड्स में जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है लगता था, उतना है नहीं. इस एपिसोड में मुझे आलियान की एक डिफरेंट साइड नज़र आई. आई लाइक हाँ ये एक डिफरेंट है. जो विलेन है जिसने सामने जाके माला को कन्फ्रंट किया म्यूजियम में, उसने जाके बोला मैं हूँ, कर लो जो करना है, वो पीछे छुप के साजिश नहीं कर रहा, ही इज़ सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ. बट एट द सेम टाइम जब कबीरा ताई की बात आती है तो उसको पता है कि वो उसकी माँ है, और इंद्रानी उसको मना भी करती है, फिर भी ही गेट्स इन टच विद हर. सो देर इज साइड ऑफ हिम, देर इज दिस बच्चा इन साइड हिम, देर इज अ सॉफ्टर साइड, वल्नरेबल साइड इन हिम दैट वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद हिज मदर. एंड वो चीज़ अभी उसने कवर की हुई है बिकॉज ऑफकोर्स इतने सालों की ट्रेनिंग उसकी हुई हुई है नगीना की वजह से. एंड काला जादू जब आप करें या आप इस किस्म की चीज़ों में मुलविस हैं तो इट मस्ट टेक अ टोल ऑन योर सोल ऑल्सो. बट सो देर इज दिस विलन विच हैज़ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर विलन्स, एंड ही हैज़ दिस इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी विच इज़ नॉट वेरी रूथलेस बट रूथलेस एट द सेम टाइम एंड हैज़ अ सॉफ्टर फील टू इट. तो मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी आलियान की. मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो म्यूजियम में माला को मिलेगा. फिर माला को जब सच्चाई पता चलती है, अब माला क्या करेगी, द डिसीजन दैट माला टुक कि वो माहिर को नहीं बताएगी, अब इसलिए कि क्या करेगी क्या करेगी. इधर माला के दिल में जलन भी हो रही है क्योंकि जारा से शादी होने वाली है माहिर की. बट देन वॉट नेक्स्ट शी डिड वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज. यू नो दैट इज़ द मैजिक ऑफ निम्र अहमद स्टोरीज. निम्र अहमद वो करेंगी जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते. मैं और अच्छा, ना सिर्फ ये सरप्राइज़ का एलिमेंट होता है, वो सरप्राइज़ है सच अ सॉफ्ट फीलिंग टू इट, सो मेनी इमोशंस टू इट, कि आप वो सरप्राइज़ के साथ साथ आपको जाके कहीं टच भी करता है. वॉट शी डिड नॉट टेल माहिर अबाउट ज़ारा, लेकिन वो मालिक के पास गई एंड उसने मालिक को सारी बात बता दी, और मालिक की आंखों में आंसू थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली दैट मालिक क्राइड, कि ये जो बीमारी है ये इसलिए है क्योंकि ज़ारा ने आलियान को कॉन्टैक्ट किया था फॉर माहिर, और दिस इज़ द प्राइस दैट ज़ारा हैज़ टू पे फॉर गेटिंग माहिर. कि आपको जो इस वक्त जो बीमारी है आपको, वो रिजल्ट है ज़ारा की इस ख्वाहिश का कि वो माहिर के साथ और उसने जादू करवाया है. एंड द वे शी टेल्स हिम, एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, फिर जब उसने बताया तो मुझे मालिक के लिए बुरा लग रहा था, एंड मालिक की शर्मिंदगी कि वो माला के सामने अपनी बेटी की ये बात सुन रहे हैं, बेबसी कि ज़ारा इस हद तक गिर सकती है, एंड देन ही कांट गिव ज़ारा वॉट ज़ारा रियली वॉन्ट्स विच इज़ माहिर. सो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग. एंड बट देन यू नो दैट माहिर, मालिक विल डू समथिंग, और अब आप वंडर, आप सोच रहे हैं कि अब मालिक क्या करेगा. एट द सेम टाइम आई थिंक ज़ारा जो गई आलियान के पास, वो आपको वही दिखाता है. आई गॉट स्केयर्ड ऑफ वन साइडेड लव. आई गॉट स्केयर्ड कि आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी आप एक्सपोज हों, किसी भी सोसाइटी के स्ट्रेटा से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपको मोहब्बत हो जाए और वो मोहब्बत आपको नहीं मिले तो आपको क्या करने पे मजबूर करती है. कि एक ज़ारा जैसी पढ़ी लिखी एम्बिशियस इंडिपेंडेंट औरत जो है, शी फॉल्स डाउन टू दिस लेवल कि वो अपने बाप की कुर्बानी, मतलब वो उसको गिल्ट भी नहीं फील हो रहा, वो उस गिल्ट को हटा रही कि नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ, और वो जादू में इन्वॉल्व हो जाती है. सो ये मुझे बहुत स्केरी, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे वो इस चीज़ को लेकर आई है. एंड देन शी इज़ ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम आलियान. नाउ इज़ आलियान रियली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो ज़ारा को कुछ करा नहीं सका? इज़ आलियान स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द रूथलेस सरकार दैट ही इज़? ये भी क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं. और निम्र अहमद ने आलियान को ऐसा क्यों रखा है? बिकॉज आर वी गोइंग टू सी आलियान रिडेम्पशन लेटर ऑन? सो ये सब क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट कि आलियान का मकसद क्या है? ज़ारा भी बड़ी तेज़ है, उसने बात की. अच्छा, आई मिस दैट पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट विल मालिक डू? अगेन मालिक की जो बात थी ज़ारा को, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, दैट फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि तुम्हें कभी भी वो माफ़ नहीं करेगा अगर उसको पता चल जाएगा. सो मेक श्योर कि तुम उसे खुद मना कर दो, एंड ही गेट ज़ारा टू ब्रेक द मनी. बट ज़ारा भी बड़ी तेज़ है. खैर, वो बहुत इंटरेस्टिंग सारी कहानी थी, आई डोंट वांट टू रिपीट इट. बट मुझे, मैं कम्प्लीटली ये ट्विस्ट, ये टर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये सब कुछ होगा. आई रियली लाइक द कन्फ्रंटेशन दैट हैपन्स बिटवीन माहिर एंड माला. आई थिंक दैट वॉज लॉन्ग लॉन्ग ड्यू कि वो दोनों अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज एक कन्फ्रंटेशन पहले हुई थी, अब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अब दोबारा एक कन्फ्रंटेशन होने की ज़रूरत थी जिसमें वो करते हैं.
देन माहिर के दुख का, माला के दुख का कलर ब्राउन क्यों है? दैट वॉज द क्वेश्चन दैट आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग फॉर सो लॉन्ग. पर्पल हमें अभी भी नहीं पता चला है, लेकिन ब्राउन क्यों है? अच्छा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग द सीन मुझे एक्चुअली. इज इट हिज आईज आर ब्लू और ब्राउन, दैट्स वाई? क्योंकि पुरानी एपिसोड इतनी पहले गई है कि मुझे याद नहीं. हम ऑफिस में भी मैं सबसे डिस्कस करी थी, मैंने पूरा सीन पढ़ के सुनाया तो सब लोग कहते हैं कि हाँ उसकी आईज का कलर ब्राउन है, दैट्स वाई. बिकॉज वो कहती है कि मुझे जब अपना दर्द याद आता है, मेरा मेरी नज़र के सामने तुम्हारा चेहरा नज़र याद आ जाता है, तो तुम्हारे चेहरे में यू नो. एंड ही से ही रियलाइजेस कि ओ ये कलर तो मेरे अंदर है, सो उसका कलर तो ब्राउन नहीं है माहिर का. सो आई एम अज्यूमिंग दैट हिज आईज आर ब्राउन. सो दैट वॉज सो सो ब्यूटिफुल द वे निम्र अहमद इज कनेक्टिंग ऑल दीज पॉइंट्स. उसके बाद चिंगेज़ और माहिर, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी. दोस्त कैसे भी हो ना, आपकी कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी अनबन हो जाए, बट दे आर मोमेंट्स वेन यू नो दैट योर फ्रेंड विल बी देयर. और एक छोटी सी कन्फ्रंटेशन, एक छोटी सी चीज़ जिस पे आप कनेक्ट करते हैं, वो आप खोलते हैं और आप दोनों की सब शिकवे दूर हो जाते हैं. और यही हुआ, चंगेज़ ने सारी बातें भुला दी जो माहिर ने उसके साथ किया, और उसने माहिर को बिल्कुल सच्ची सच्ची बात की. सो वन प्रॉब्लम दैट आई हैव इज लाइक एवरीबडी, माही, चंगेज़, एवरीबडी कीप्स टेलिंग माला एंड माहिर दैट यू टू कैन नॉट बी टुगेदर. वाई? आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड. आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट. एंड यू गैस प्लीज शेयर योर व्यूज एंड कॉमेंट्स, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस होते हैं, इंसान ओवर द टाइम चेंज होता है. बट आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो येस, वाइल माला एंड माहिर आर कॉम्प्लिकेटेड, दे डू लव ईच अदर. एंड इफ ज़ारा इज़ नॉट इन देयर लाइफ, देन वॉट इज़ द कॉम्प्लिकेशन? वाई कॉन्ट दे बोथ बी टुगेदर? वाई कॉन्ट दे क्लियर अप एवरी थिंग? वाई डज चिंगेज़ टेल हिम कि तुम ये बात याद रखो कि वो एक बच्चे की माँ है? वो एक बच्चे की माँ है, बट वो उसके लिए फीलिंग्स भी रखती है. तो ये मुझे नहीं समझ आई, कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी. एंड आई डोंट नो वट द लास्ट एपिसोड विल होल्ड फॉर अस, एंड आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सी अ हैप्पी एंडिंग बिटवीन माला एंड माहिर. और इतनी खूबसूरत कन्फ्रंटेशन, इतनी खूबसूरत बातें जो अभी माहिर उसको बोलता है, आगे मैं बात करूँगी, उसके बाद अगर माला और माहिर एक साथ नहीं हुए तो मैं तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट मुझे माही भी उसे कहती है, तुम सोचो. सो मैं माला और माहिर को बोल रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें. यू गैज विल वर्क आउट एवरी थिंग. उम्मीद पे दुनिया कायम है, मोहब्बत बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है. सो फॉरगेट अबाउट वॉट माहिर, चंगेज़ और योर थेरेपिस्ट और एनीबडी इज सेइंग, यू नो, बिकॉज वो उससे प्यार नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं करता. ठीक है, उससे प्यार करता है तभी वो ये सब कुछ कर रहा है. वो उस पर प्यार करती है, उस पर एतबार करती है, तब वो अपना शहर छोड़ के उससे मदद मांगने आती है माहिर से. सो ये चीज़ें, फाइनली माहिर सेज इट ऑल टू माला, आई के नॉट गेट ओवर दोज लाइन्स. वो मैंने लिखी भी है. वो कहता है कि मुझे आज से पहले कभी माला जैसी लड़की, हाँ, मैं कभी माला जैसी लड़की से मिला ही नहीं. क्या खूबसूरत कन्फ्रंटेशन थी, कन्फेशन था, नॉट कन्फ्रंटेशन. क्या खूबसूरत कन्फेशन था कि वो उससे कहता है, वो उससे अपनी फीलिंग्स की बात करता है कि मैंने बहुत कोशिश की है बट आई कॉन्ट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड आई नो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. आई थिंक मैं कितने अरसे से, आई एम श्योर आप लोग भी ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब दे बोथ विल रिकगनाइज देयर फीलिंग्स, वन दे विल बोथ एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स एंड से समथिंग टू ईच अदर. बट हाँ, माला साहिबा ने आगे से कुछ नहीं बोला और बोला हमारे रास्ते अलग हैं, मंजिल एक ही है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड शी सेज़ यू नो कि मेरा बच्चा है एंड ऑल दैट, और मैं चली जाऊँगी. और आई डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, एंड बिकॉज माही एंड एवरीबडी हैज़ केप्ट टेलिंग इट टू हर, एंड बिकॉज उसका ज़ियाद के साथ बुरा एक्सपीरियंस है और वो माहिर के साथ भी थोड़ा नाराज़ थी, तो आई अंडरस्टैंड दैट शी टेक्स टाइम एंड शी इज़ टेकिंग टाइम. बट वो आगे जाके बोलती है माहिर को. सो बट आई लाइक इट कि माहिर ने फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया और माहिर ने उसको ये बात बोली. ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी. नाउ सूजी कम्स इन द पिक्चर एंड बीरबल मैरी सूजी. अब आई लव दैट लाइन जो माहिर कहता है, जस्ट वॉच मी एंड लर्न फ्रॉम मी कि मैनिपुलेशन होती कैसी है. जब उसको माला को घर लेकर आता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्यों लेकर आता है. मैं माला की तरह मैंने भी सोचा कि हाँ, ही रियली केयर्स अबाउट हर, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर, विच आई फील ही डज. लेकिन वो एक तीर से दो शिकार करता है. माहिर को कभी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. तो जब उसने पूरी वो गेम खेली डिनर पे और उसने सूजी को बोला और बीरबल को बोला कि बिल्कुल तुम लोग रह सकते हो, लेकिन अभी अभी माला उस घर में शिफ्ट हो गई है तो तुम लोग उधर नहीं रह सकते, बिकॉज उसको पता है कि सूजी जो आई है वो पैसे के लिए आई है बीरबल के पीछे, और उसने उसकी शादी उससे शादी उसी लिए की है. जो सूजी और उसकी कन्फ्रंटेशन होती है, एंड आई ऑल्सो गेट स्केयर्ड कि ये तो बेकरी लेके चली जाएगी, अब क्या होगा. नाउ बेकरी इज़ सो इंपॉर्टेंट टू माहिर एंड बीरबल, एंड ये कामयाब हो जाएगी, ठीक है. एंड नाउ आई एम ऑल्सो लाइक समथिंग हैज़ टू बी डन, सूजी कैन नॉट विन, सूजी कैन नॉट विन.
लेकिन उसके बाद जो माहिर ने किया वो तो कम्प्लीटली भी यकीन नहीं कर रही थी कि उसने माला को बेकरी दे दी सिर्फ 535 लीरास के बदले में. आई वाज लाइक वाओ. सो यू नो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ निम्र अहमद. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि निम्र अहमद आपको पंच देती हैं, आपको सरप्राइज देती हैं, बट उसमें इतना इमोशनल एलिमेंट होता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं. मतलब दिस वॉज सो इमोशनल वे ही सेज टू हर कि मैंने तुम्हारी बेकरी कामयाब नहीं होने दी थी सो आज मैं तुम्हें एक बेकरी दे रहा हूँ. ये तो माला को बाद में पता चलेगा कि उसके पीछे भी क्या चीज़ है, क्या रियलिटी है. बट एंड माला हक्का पक्का रह गई है एंड माला के दिल में कुछ हो रहा है जैसे हमारे दिल में हुआ था. सो दैट वॉज रियली रियली समथिंग दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. एंड देन अगेन इतना मज़ा आता है, यू लाइक येस माहिर इज़ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही इज़ सो कूल. हीरो है तो हीरो को तो कूल होना पड़ता है. सो ये चीज़ें. हिलाल से क्यों नहीं माला बात करती, हिलाल से माहिर क्यों नहीं सही तरीके से बात कर रहा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है. हिलाल माला से क्या छुपा रही है, वो कहती है टाइम पे हर चीज़ पता चलेगी, वो भी मुझे नहीं समझ आ रही. बट आई एम सो ग्लैड दैट हिलाल जो है वो आलियान की बातों में नहीं आई, वो आलियान से नहीं डरी और उसने गिव अप नहीं किया और वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है. और वो उसको बिकॉज आई फील हिलाल इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन हु हैज़ द कॉन्फिडेंस टू फेस दीज थिंग्स विदाउट हैविंग अ डाउट इन अवर माइंड. तो वो चुप क्यों है, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ना बॉदर करती है. उसने क्यों नहीं माहिर को बताया कि आलियान ने मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, क्या आलियान को वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा या क्या होगा, ये मुझे नहीं समझ आई. सो आई एम क्यूरियस टू नो दैट वॉट इज़ हिलाल अप टू, वॉट इज़ शी थिंकिंग, वॉट इज़ गोइंग ऑन इन अवर माइंड, यू नो, क्योंकि समथिंग इज़ गोइंग ऑन. वो कुछ शी इज़ अप टू समथिंग. तो वो एक अच्छा. और उसका वो जो जुमला था कि वो आलियान को बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं और बदर एक साथ बड़े होंगे, वो आपको उम्मीद भी देता है और वो आपको डरा भी देता है कहीं हिलाल का तो चेंज ओवर नहीं हो जाएगा. सो देयर जस्ट सो मेनी थॉट्स दैट आर गोइंग इन माय माइंड. जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, मैं अपने पॉइंट्स देख रही हूँ ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ही नहीं हूँ. अभी पॉइंट मेरे जहन में आया था माफ़ी की बात. सो हिलाल टेल्स माला टू फॉरगिव हूएवर शी वॉन्ट्स टू फॉरगिव और फिर वो ज़ियाद को माफ़ कर देती है. कैन ज़ियाद रियली चेंज. इधर आके तो ज़ियाद ने आंसू बहाए माला के सामने, लेकिन उधर उसने माहिर को धमकी दी और माहिर से बोला कि मैंने जो वादा किया था मैं वो करके रहूँगा. सो आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग कि क्या ज़ियाद जैसे लोग चेंज हो सकते हैं. और माला उसको माफ़ कर देती है. एंड आई रियली लाइक द लाइन कि मोहब्बत का उल्टा जो होता है वो इंडिफरेंस होता है, मोहब्बत का उल्टा नफरत नहीं होता. एंड आई थिंक दिस इज सो ट्रू दैट यू बिकम रियली केयरलेस अबाउट दैट पर्सन. लेकिन क्या वो डिज़र्व करता था माफ़ी, क्या उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, क्या वो चेंज हो जाएगा इतने ब्रूटल कत्ल करने के बावजूद? दिस इज़ माई ओनली क्वेश्चन. एंड वो माहिर को क्यों नहीं छोड़ देता अगर वो वाकई चेंज हो गया है? सो ये सब मिस्ट्रीज हैं विच नीड टू बी सॉल्व, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंडिंग आउट. वन क्वेश्चन दैट माला आस माहिर एंड दैट वॉज अगेन सो इमोशनल चीज़, उससे पूछती है कि तुम मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं लेते. एंड आप ये सवाल सिर्फ उसी से पूछेंगे जिससे आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो. और माहिर उसको एकदम से जवाब नहीं देता, फिर वो उसको बताता है. एंड वो भी मतलब वो भी एक बहुत ही खूबसूरत एंगल था कि मुझे वो टाइम नहीं भूलता कि जब वो लोग मुझे लेके जा रहे थे मेंटल असाइलम, तो हिलाल ने मुझसे कहा था कि बदर मुझे बचाने आएगा. एंड ही सेज बदर से हिलाल, हिलाल से बदर, वो मुझे वो लाइन नहीं भूलती. एंड बदर इज़ माई ट्रामा, दैट्स द रीज़न आई डोंट. एंड फिर माला को माहिर की सारी हिस्ट्री पता चलती है. सो अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस एपिसोड वाज सो इम्पॉर्टेंट इन टेकिंग द स्टोरी सो मच फॉरवर्ड एंड कनेक्टिंग द मिसिंग पॉइंट्स कि कैसे क्या हुआ, ज़ारा कैसे आलियान से मिली, आलियान क्या चाह रहा है, आलियान और हलाल का कॉन्टैक्ट और मालिक की रियलिटी. एंड यू नो मोर आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ माहिर एंड माला का एक दूसरे के और करीब आना, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना कि वो एक दूसरे को बताने लगे अब चीज़ें. वो ज़ियाद से मिलती है तो उसको बताती है, वो उसको बताता है अबाउट बीरबल एंड ऑल दैट, यू नो. सो आई थिंक दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन इट वाज सच अ ग्रेट एपिसोड टू रीड. मैं कॉन्स्टेंटली सरप्राइज हो रही थी, कॉन्स्टेंटली मैं मुस्कुरा रही थी. आई डेंट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू हैपन. मुझे याद नहीं था कि माहिर की डेट ऑफ बर्थ 5 मई है. सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आई एम जस्ट रीडिंग द पॉइंट्स वन मोर टाइम to make sure कि मैं कोई चीज़ भूली नहीं हूँ. सबसे बेस्ट लास्ट वाला सीन था जब वो उसको बोलती है आलियान को माला कि तुम्हारे पास मेरा बेटा है और मेरे पास तुम्हारी माँ है, मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है, अब तुम देखो क्या होता है. एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड, दैट वाज अ रियली वेरी
अपलिफ्टिंग पॉइंट, बिकॉज अब तक माला परेशान फिर रही है यहाँ से वहाँ, एंड नाउ आई लाइक इट कि माला ने अपना दिमाग यूज़ किया और माहिर की मदद के बगैर उसने एक मूव खेला है, और उसने सोचा है कि अच्छा तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहे थे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या होता है, तुम समझो तुम ही सिर्फ मुझे कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक उसने कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि आलिया ना इज स्टिल यंग और उसके दिल में अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, मे बी, और मे बी शी इज़ टेकिंग अ यू नो तुक्का वो लगा रही है, चांस ले रही है, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक देर वॉज वन मोर थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो मालिक मालिक माहिर को कहता है, बिकॉज माहिर मालिक कैन प्रिडिक्ट, वो उसे कहता है कुछ भी हो जाए तुम ज़ारा का साथ नहीं छोड़ना, वो तुम्हारी फैमिली है, सो डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड यही अब मुझे क्यूरियोसिटी है कि क्या माहिर जो है वो सब कुछ जानने के बावजूद भी ज़ारा का साथ रखेगा, क्या करेगा जब उसको सच्चाई का पता चलेगा, और क्या उसको सच्चाई का पता चल जाएगा. सो या आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, आई होप आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग. बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड थी, खुदा ही माफ़ कर देता है तुम क्यों नहीं करती हैं, जो ज़ियाद कश्माला को कहता है. आई थिंक ये लाइन हर जगह हर किसी के साथ यूज़ नहीं हो सकती, हम तो इंसान हैं. दैट इज़ ऑल. आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी थी कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड एपिसोड 20 का रिव्यू भी जल्दी अपलोड होने वाला है. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.